नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं आप लोगों का दोस्त राहुल मजुमदार। किशला आर्ट स्कूल के इस ड्राइंग सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस ड्राइंग सेगमेंट में मैं आप लोगों को दुनिया के कुछ चुनिंदा ग्रेट आर्टिस्ट और उनके द्वारा किए गए कुछ ग्रेट आर्ट के बारे में कुछ बातें बताता रहता हूं। इसी आशा के साथ कि आप लोगों के साथ मेरे कम्युनिकेशन अच्छे हो, यानी मैं जो चीज़ रिसर्च करके जान पा रहा हूं वो आप लोगों के बीच में शेयर कर पाऊं। मेरे चैनल किशला आर्ट स्कूल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे भी मैं आप लोगों के साथ ऐसे मिलता रहूं और नायाब वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं अबाउट आर्ट एंड आर्टिस्ट। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ग्रेट आर्टिस्ट बर्निनी और उनके द्वारा किए गए एक ग्रेट वर्क के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है डेविड जॉन लोरेंजो बर्निनी, एक बेहतरीन स्कल्पचर इस बैरोक पीरियड का। उनके द्वारा किए गए डेविड, आपके जानकारी के लिए यहां पर जो चित्र आप लोग देख पा रहे हैं ये डेविड के चित्र हैं। डेविड एक ऐसे कैरेक्टर थे जो गलियत को अपने एक स्टोन के यानी पत्थर के एक टुकड़े के साथ वो फाइट किया था गलियत के साथ और उन्हें मार दिया था, यानी गलियत को मार दिया था डेविड ने। डेविड एक शेपर्ड बॉय है। यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं डेविड को कितने कितने रियलिस्टिक रूप में यहां पर बर्निनी, जॉन लोरेंजो बर्निनी ने प्रोजेक्ट किया है। ये बर्निनी का एक परफेक्टली डन आर्टवर्क है और इसे बर्निनी ने किया था 1623 टू 1624 के बीच में। हमें इस डेविड को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि माइकलएंजेलो ने भी ऐसा ही एक डेविड का स्कल्पचर बनाया था सिंगल स्टोन के साथ। आप लोग उस डेविड को देखिए, यहां पर आप लोग देखिए माइकलएंजेलो का किया गया डेविड और जॉन लोरेंजो बर्निनी का किया गया डेविड, इन दोनों में क्या अंतर है। एक था हाई रेनेसांस पीरियड का यानी माइकलएंजेलो का और एक था बैरोक पीरियड का यानी बर्निनी का। माइकलएंजेलो का जो डेविड है वो एकदम काम, युद्ध शुरू होने से पहले यानी फाइट शुरू होने से पहले का दृश्य। डेविड, माइकलएंजेलो का डेविड एकदम गॉड के रूप में प्रोजेक्ट हुआ है। स्टाइलाइजेशन देखिए, कंपोजिशन देखिए, खड़ा होने की जो भंगी उसे देखिए, तब आप लोगों को पता चलेगा कितना आइडियलाइज्ड है, कितना वेल कंपोज्ड है। और बर्निनी का डेविड को आप लोग देखिए, कितना मूवमेंट इसमें भरा हुआ है, स्प्लिट सेकंड, यानी जिस पोज में बर्निनी का डेविड खड़ा हुआ है यानी जिस पोज में वो अभी है, उस पोज में कोई भी इंसान ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकता, यानी स्प्लिट सेकंड, यानी कुछ सेकंड में ही इस पोज का रूपांतरण हो जाएगा, यानी ये पोज नहीं रहेगा। उसी स्प्लिट सेकंड को बर्निनी ने यहां पर प्रोजेक्ट किया है, जिसे करना बहुत ही लाजवाब है। यहां पर पूरी फिगर को देखिए, फ्लेश एंड बोन, ह्यूमन बीइंग का दो परफेक्टली वर्केबल ऑर्गन्स यहां पर आप लोग फील कर सकते हैं। फ्लेश एंड बोन को, एक ह्यूमन फिगर को कितना बढ़िया तरीके से स्टडी करने के बाद ऐसा आर्टवर्क निकल सकता है, ये बर्निनी ही कर सकते हैं, जिन्हें दूसरा माइकलएंजेलो बोला जाता था। बैरोक पीरियड का मास्टर वर्क था ये डेविड। इस वर्क को आप लोग देखिए, इसमें जो ड्रेपरी है वो भी कितना पावरफुल है, उसमें भी मोशन है, रिदम है, बैलेंस है, टोन है, टेक्सचर है, सभी है। यहां पर सिंगल मार्बल के ऊपर किया गया बर्निनी का ये वर्क है। यहां पर पैर की उंगलियां देखिए, हाथ देखिए, जिस हाथ से वो स्टोन को पकड़े हुए हैं उस हाथ को देखिए, रोप को देखिए, यानी जो यहां पर रोप है वो कितना वेल डिटेल्ड करके बनाया गया है, ये बर्निनी ही कर सकते हैं। यहां पर आपको एडेग्लेंस देखने से ये एक पत्थर नहीं, फ्लेश एंड ब्लड से समाहित कोई इंसान लगेगा। ये लाइफ साइज है, यानी ये
बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है माइकलएंजेलो के डेविड की तरह। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो डेविड है वो एक स्टोन को फेंकने की एकदम एंडिंग मोमेंट पर है। यहां पर फेस में देखिए डेविड का फेस में कितना बढ़िया तरीके से मूवमेंट पता चल रहा है, एंगर पता चल रहा है, मोशन पता चल रहा है, वर्क में कितना रिलेट है डेविड वो पता चल रहा है। इस बैरोक पीरियड में एवरी वर्क आप लोग देखेंगे मोशन को पकड़ने वाला, हाई मेलोड्रामा को प्रोजेक्ट करने वाला, स्प्लिट सेकंड को मेंटेन करने वाला वर्क्स आप लोगों को बैरोक पीरियड में देखने को मिलेगा। वही यहां पर भी है। यहां पर सर से लेकर के डेविड के सर से लेकर के यानी बाल से लेकर के एवरी ऑर्गन वॉज वर्क्ड, मूवमेंट में एकदम समाहित भरा हुआ। ये जो डेविड की मूर्ति है ये आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है वो आप लोगों को कैथलिक बैरोक पीरियड का वर्क देखने को मिल रहा है। कैथलिक बैरोक पीरियड में रूबिंस थे, कैरावेजियो थे एंड बर्निनी थे। यहां पर ये जो स्कल्पचर अभी आप लोगों के सामने है ये बोर्जियो गैलरी एंड म्यूजियम में अभी है जो रोम में, वर्तमान रोम में है। इसका हाइट है 170 सेंटीमीटर यानी 67 इंचीज हाइट है यानी लाइफ साइज है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं। मीडियम है मार्बल, सब्जेक्ट है डेविड। ये वर्क को आप लोग देखिए कितना बढ़िया तरीके से लाइनिंग रिदम है, फोर्स है। इस फोर्स को देखने के बाद आप लोगों को ये एक क्लासिक पीस ऑफ आर्ट वर्क लगेगा। इस वर्क को आप लोग देखिए समझिए आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरे फेवरेट आर्ट वर्क में शामिल है। मुझे आशा है आप लोगों को मेरी इस वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो पिछले आर्ट स्कूल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोगों के उत्साह से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू फॉर